तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं हूँ कलसुबाई हरिश्चंद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये रीजन में काफ़ी अच्छे फोर्ट्स है, पीक्स है, एंड टुडे आई एम हाइकिंग टू अ फोर्ट, रादर अ सेट ऑफ फोर्ट्स नोन एज अलंग मदन कुलंग, ऑल्सो नोन एज AMK। सो वी हैव स्टार्टेड अवर ट्रैक एट अराउंड 7:30 एंड इट्स अराउंड 8:15 एंड वी हैव रीच टू द फर्स्ट प्लेटू, जहाँ से हमें अलंग का एक स्पेक्टेकुलर व्यू मिल रहा है। जस्ट हैव लुक एट इट। एंड अलंग को अप्रोच करने के लिए बेसिकली तीन रास्ते हैं। दो रास्ते घाटघर से हैं, एक अंबेवाड़ी से। सो अंबेवाड़ी का रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट है, अंबेवाड़ी से आपको क्लाइंब करना पड़ेगा, देयर इज अ रॉक पैच। एंड अगर आप घाटघर से आ रहे हो तो यू कैन स्किप द रॉक पैच एंड डायरेक्टली क्लाइंब अलंग। लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल तो है दोनों में, बस अंबेवाड़ी से थोड़ी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द रॉक पैच। कोणते कोणते पिक्स दिसतात आपल्याला इथून? आता इथे आता समोर दिसतो तो कळसुबाई, ओके, सगळ्यात हायेस्ट पिक, त्याच्या बाजूला सकीरा म्हणून तेवढ्या, त्याच्याहून थोडस कमी हाईटला एक पिक आहे, ओके, त्याच्या बाजूला एक डोंगर आहे, त्याच्या जस्ट बाजूला एक दिसतो तो किरडा, ओके, हा समोर दिसतो तो अलंग, आणि मग मदन आणि कुलंग इथून दिसत नाही। पाठी मदन दिसेल, कुलंगचा थोडासा पार्ट दिसतो, तो छोटा कुलंग आहे की कुलंग या साईडला आहे। After 1 hour 15 minutes of hike, you get a plateau from where you can see the south face of Alang. To almost walk for an hour or so to come to the west face of the Alang, and south face hi काफी बड़ी दिखती है, but once you come to the east face, you will see how gigantic Alang is. सो वो जहाँ पे रॉक पैचेस दिखते हैं एंड देन एक वाटरफॉल की स्ट्रीम दिखती है, आई मीन डेफिनेटली ड्राइड वाटरफॉल की स्ट्रीम, वहाँ से आपको राइट लेना है, वहाँ से आपका अलंग फोर्ट का एसेंट स्टार्ट होगा। सो मिडवे थ्रू द ट्रैक वी स्टॉप फॉर अ वाइल टू हैव अवर ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद हमने अप्रोच किया टू द डिफिकल्ट पैच ऑफ अलंग। नाउ व्हेन आई से डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट फॉर दोज हु हैव फियर फ्रॉम हाइट्स। बेसिकली एक वर्टिकल लैडर है जो थोड़ी सी वॉबल होती है and you have to just climb through it. और now there is one more patch, ज़्यादा difficult नहीं है लेकिन थोड़ा tricky है, so consider this before coming as well. सो ये ट्रैक मैंने 2015 में भी किया था एंड सेम रूट से किया था, एंड वी हैड अ क्रेजी मोमेंट एट दिस पॉइंट। इट्स गुड टू कम बैक हियर एंड
and cherish those wonderful moments. अगर आपको हाइट से डर नहीं है ना तो ये वाला पोर्शन एकदम रिलैक्स में करना है. एन्जॉय द एवरी मोमेंट ऑफ दिस रूट. यू विल रियलाइज हाउ स्मॉल यू आर इन कंपैरिजन टू दिस माउंटेंस. एंड एक अलग ही वाइब है ये रूट पे. एकदम पीस है एंड मैं तो एन्जॉय कर रहा हूँ पूरी तरह से. आई होप आप जब आ रहे हो आप भी करना. तो अभी हमने हमारे बैग्स नीचे रख दिए एंड नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग द फोर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ वेरी ह्यूज फोर्ट. सो पूरा एक्सप्लोर कर पाएंगे कि नहीं शायद डाउट है. सबसे फेमस अट्रैक्शन इस फोर्ट का आर दिस वेल्स एंड दे आर इंटरकनेक्टेड एंड दे आर प्रॉपरली प्लान्ड. दिस इज वन कंस्ट्रक्शन. शायद ये टाउन हॉल टाइप का होगा जहाँ मे बी द रूलर ऑफ द फोर्ट यूज टू स्टे. इनफैक्ट अलंग और मदन दोनों फोर्ट्स पे प्रॉपर स्टेप्स हुआ करते थे. बट ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा फ्रीडम फाइटर्स यहाँ आके छुपते थे. सो ब्रिटिशर्स ने यहाँ के स्टेप्स तोड़ दिए थे एंड महाराष्ट्र के काफ़ी फोर्ट्स के स्टेप्स ऐसे ही तोड़ दिए ब्रिटिशर्स ने. दीज आर अगेन फ्यू वाटर सेंटेंस. सो यू कैन सी द होल टेम्पल इज बीन डिस्ट्रक्टेड बट समहाउ द लोकल पीपल हैव मैनेज टू कीप द स्मॉल टेम्पल अलाइव. छोटे छोटे स्टोन्स इकट्ठा करके एक छोटा टेम्पल भी बनाया. पीने का वाटर सेंटर यहाँ पे है. सो कीप इन माइंड दैट द 8 और 10 वाटर सेंटर्स टुगेदर डज नॉट एक्चुअली हैव ड्रिंकिंग वाटर इन इट. ड्रिंकिंग वाटर आपको वहीं पे मिलेगा. सो इट्स अराउंड 1:30 एंड वी हैड आवर लंच एंड नाउ वी आर डिसेंडिंग अलंग. So now there is a rock patch and we have to rappel down. So dekhte hain how it is. So before the rock patch you need to deal with this portion of tricky stairs. Post this stairs you reach to the point from where you have to rappel down. So if you want to rappel down or even climb up, you need to have someone who is technically knowledgeable and knows how to use the technical equipments. जनरली सभी लोग लोकल्स हायर करते हैं जिनको अच्छा आइडिया होता है इस रॉक पैच का एंड विद द हेल्प ऑफ देम वी रैपल और क्लाइंब अप. नाउ रिमेंबर इफ यू आर कमिंग फ्रॉम आंबेवाड़ी देन यू नीड टू क्लाइंब दिस पैच एज वेल. वंस यू रैपल डाउन you then have to traverse the entire Alang and you reach to a col from where the Alang and Madan are separated. So we are now done with the descending of Alang and we are now moving towards Madan. We are actually a bit late but let's see how it goes and I'm in front of Madan. Just have a look at it. From
From that goal, you then again need to traverse and go to Madan. Even Madan has a rock patch which you need to climb. It is around 60% of Alang. So finally we have ascended Madan, and Alang se to chhota hi hai iska rock climbing patch. Exact climbing ke samay meri battery low gayi aur battery change karne ko time nahi mila. Climbing patch to nahi dikha paya, lekin theek hai, kal rappelling bata denge. Just look at the shape of Alang. It is exact semicircle. It starts from here, and this entire thing is Alang.